हाय, आई एम कंचन जेसवानी एंड यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे दशहरा की। हैप्पी दशहरा पहले तो आप सबको मेरी तरफ से। देश भर में दशहरा मनाया जा रहा है और आज दशहरे से एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है हर साल, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, जिसके साक्ष्य सामने आए हैं कि कैसे असत्य पर सत्य की विजय होती है, कैसे अधर्म पर धर्म की विजय होती है। आज हम बात करेंगे दशहरा की, और दशहरा में एक तरफ जहाँ रावण का वध किया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ अगर कहीं सियासत देखने को मिल रही है तो वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना के दो गुट हैं, एक उद्धव ठाकरे का गुट है तो दूसरा सीएम एकनाथ शिंदे का गुट है, जिनके साथ तमाम शिवसैनिक नजर आए हैं। एक रैली चल रही है शिवाजी पार्क में, जहां दशकों से ठाकरे परिवार दशहरा बनाता आया है, तो दूसरी रैली चल रही है बीएमसी ग्राउंड में, जहां एकनाथ शिंदे संबोधन कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, और इसी बीच आपको यह भी बता दूं कि शिंदे, एकनाथ शिंदे जहां एक बार एक फिर से उद्धव ठाकरे पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, बीजेपी ने उनके साथ गलत किया है, एकनाथ शिंदे ने उनके साथ गलत किया, और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उद्धव नहीं हूं, मैं उद्धव बाला साहिब ठाकरे हूं, और ये जो कुर्सी है, ये जो सत्ता की कुर्सी है, महाराष्ट्र के जो गद्दी है, सीएम पद की गद्दी है, वो एक ठाकरे को जाएगी, वो एक शिवसैनिक को जाएगी। और इन सबको लेकर साफ तौर पर एकनाथ शिंदे जो है, उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप किया, जहां एक तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे कि इस बार रावण को लेकर उन्होंने जिक्र किया, सीधा सीधा कंपैरिजन किया एकनाथ शिंदे के साथ, तो वहीं एकनाथ शिंदे का दूसरी तरफ ये कहना था कि जो मेरी राजनीति है वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे ने एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन सीधा सीधा इनका ये कहना था कि 2.5 साल का टेन्योर मुझे दिया जाए और 2.5 साल बीजेपी को टेन्योर दिया जाए, 2.5 साल शिवसेना, और उद्धव ठाकरे की मांग ये भी थी कि जो पहला टेन्योर हो 2.5 साल का वो उनको दिया जाए, लेकिन ऐसा बीजेपी करती हुई नहीं नजर आई। और उसके बाद ही ये जो गठबंधन, जिस गठबंधन को मैंडेट मिला था, उस गठबंधन से अलग होकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई थी। इन सब के बीच में सरकार बनी, मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद कैसे उनकी सरकार गई आपके सामने, आपने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस सामने आते हैं, एकनाथ शिंदे जो है तमाम विधायकों और उनके समर्थन के साथ या मुंबई से बाहर जाते हैं, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस आके अनाउंसमेंट करते हैं कि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे होगा, वो शिवसैनिक होगा। लेकिन इस वक्त जो दो दल कहा जाए, जो दो गुट एक ही पार्टी के बने हुए हैं, वो शिवसेना के बने हुए हैं। आज जहां देश भर में बुराइयों की हार हो रही है और अच्छाई की जीत हो रही है, तो सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नजर आ रही है। ज्यादा वीडियोस के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल।